हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। तो यार आज एक बिल्कुल नई सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है, तो हम बात करेंगे मैजिकल वर्ल्ड की। अब यार मैजिकल वर्ल्ड क्या है? आपने बहुत सारी जगह जादू के शोज देखे होंगे, है ना? बिल्कुल वैसा ही है। तो यार इस सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे कि यार कुछ मैजिकल स्टोरीज को, जादुई कहानियों को हम चर्चा में लाएंगे। तो यार देखिए होता क्या है कि यार जो आप जैसे मैजिक शो देखने जाते हो उसमें क्या होता है, लगभग 70% तो क्या होता है कि यार सारा इंस्ट्रूमेंट बेस होता है। भाई बॉक्स में डाला, फनर चला दिया, इंसान तो हिस्सों में कट गया, तो ये होता है। तो ये तो 70% होता है, जो एक तरह से आंखों का धोखा या ट्रिक कह सकते हो इसको आप। लेकिन 20% जो होता है वो पूरा हिप्नोटिज्म होता है ना, हिप्नोटिज्म। और उसमें जो बचता है कुछ 5-10% वो होता है रियल मैजिक, जो जनरली मैजिशियन स्टेज पे नहीं करता। तो वो मैजिक बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े ही खतरनाक होते हैं यार, मजा तो उनमें आता है। तो यार ऐसी ही हम स्टोरीज को कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं जो आपको कहानियां सुनाने वाला हूं है ना, तो वो रियल नहीं है, वो एक इमेजिनरी है, ठीक है? काल्पनिक कहानियां है, लेकिन एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वीडियो है, ठीक है? रियल मत मानना, ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। ओके दोस्तों, तो ये स्टार्ट करते हैं इस कहानी को, और आप अपने कानों में लीड लगा लीजिए। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपनी वॉइस में, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए होता क्या है कि एक गांव होता है, ठीक है? उस गांव में क्या होता है कि ऐलान कर दिया जाता है कि यार एक मैजिशियन आ रहा है, एक जादूगर आ रहा है, ठीक है? तो फिर यार उस भाई जादूगर आ रहा है तो भाई चर्चा फैल जाती है, भाई आज एक शो होने वाला है, बड़ा मस्त शो होने वाला है, भाई जादूगर आया है, तो फेमस जादूगर था वो भी। तो भाई वो आया, उसने शाम को मतलब स्टेज वगैरह लगाया, क्योंकि जादूगर की टीम चलती है ना, तो स्टेज लगाया उसने और जो भी उसकी टीम मेंबर्स होते हैं। तो शाम को वो शो स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद भाई अच्छा चल रहा था शो, मजा आ रहा था जनता को, पब्लिक को बड़ा मजा आ रहा था यार, भाई शो बड़ा गजब था यार, मतलब इल्यूजन टाइप शो था, मतलब एक कबूतर का दो कबूतर बना दिया है, मतलब हाथों से भभूत पैदा कर दी, मतलब ऐसे अच्छे अच्छे मतलब मैजिक दिखाए उसने। अब क्या होता है उसमें, क्या होता है जो भीड़ थी वहां पर, जो लोग शो को देख रहे थे, गांव था जनरली वो है ना, तो जो शो देख रहे थे लोग, उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो थोड़ा थोड़ा मैजिक जानता था, थोड़ा थोड़ा, मतलब जो स्टेज पे भी जादूगर था, लेकिन एक व्यक्ति भीड़ में ऐसा था जो थोड़ा थोड़ा मैजिक जानता था। अब भाई क्या होता है, वो व्यक्ति यानी जो भीड़ में था, उसने क्या करा, एक जमीन पर एक कंकर पड़ा था, उस कंकर को लिया हाथ में, और भाई पता नहीं क्या किया उसने, है ना, और स्टेज पर जो जादूगर के जो असिस्टेंट होते हैं है ना, जो जादूगर के साथ काम करते हैं, उस पे ऐसे यो मार दिया। और भाई जिसको ये पड़ा, यानी जिस असिस्टेंट को वो पड़ा, वो बेवस हो गया स्टेज पर ही, स्टेज पर ही बेवस हो गया। अब भाई जादूगर ने ये देखा, मतलब जो स्टेज पे जादूगर था, यार क्या ये कैसे हो गया, बेवस हो गया, तो भाई डॉक्टर को बुलाओ। भाई हो जाते हैं, हो सकता है कि डिप्रेशन आ गया हो या फिर डिहाइड्रेशन हो गया हो भाई। तो वैद्य को बुलाया, तो वैद्य ने नब्ज देखी, अरे इसके तो नब्ज ही नहीं चल रही, ये तो मर गया। तो जादूगर ने देखा उसको, उन्होंने कहा आप एक बार हटिए मैं देखता हूं। तो जादूगर ने जब उसको देखा, जादूगर समझ गया देखते ही, मतलब जो स्टेज पर जो जादूगर था, जो जादूगर शो कर रहा था, वो समझ गया किसी और ने विद्या लगा दी, क्योंकि मेरी विद्या नहीं है। फिर उसने ऐलान किया, मतलब भीड़ में, देखो ठीक है मैं शो कर रहा हूं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारी भीड़ में है जो जादू जानता है, और उसने मेरे असिस्टेंट को घायल कर दिया है, या तो वो खुद सामने आ जाए, नहीं तो मेरे पास भी टेक्निक है बुलाने की। अब भाई वो जो था ना, जो भीड़ में जो व्यक्ति था जिसने कंकर मारा था, वो क्या हुआ कि अपने घर चला गया और सो गया, मतलब कंकर मार के चला गया, सो गया। जैसे काफी लोग होते हैं ना, जैसे कोई ट्रिक दिखाता है लेकिन दूसरे व्यक्ति को भी वो ट्रिक आती है,
तो वो कहता है अरे यार ये तो मुझे भी आता है, तो एक इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही होते होंगे कुछ लोग यार, तो ऐसा कर दिया उसने। तो भाई अब बहुत खेल लिया उसने, मतलब जो स्टेज पे जो जादूगर था उसने बहुत समझा लिया कि यार या तो आ जाओ या फिर देखो सीधी सवाल मेरे पास और भी मैथड है। अब स्टेज पर मतलब भीड़ में से जो लोग थे वो ये बोले अरे यार तू भी तो जादूगर है यार, तू ठीक कर दे इसको यार है? अगर कोई और जाओ और व्यक्ति ने जादू लगा के इसको बेहोश किया तो तू ठीक कर दे। तब उसने एक बात बोली भीड़ में व्यक्ति से, भाई देख ये मेरी विद्या नहीं है भाई, हर व्यक्ति हर विद्या को नहीं काट सकता, समझ रहे हो आप इस बात को? तो भाई ठीक है, बहुत ऐलान कर लिया भाई, 15-20 मिनट नहीं आया क्योंकि घर जाके सो गया भाई, भाई तो कंकर मार के। अब उसने क्या किया ना कि बस अब मेरे तरीके से अपनाऊंगा मैं, जादूगर कह रहा भाई मैं तो अपने तरीके से अपनाऊंगा। उसने क्या किया जादूगर ने, एक मिट्टी ली हाथ में, मतलब नीचे से मिट्टी ली, ऐसे मिट्टी ली हाथ में और जो कंकर था उसको लिया, मिट्टी में मत लिया उसने और कंकर को फेंक दिया। और पता नहीं क्या किया उसने, है ना जादू से ही बीज का दाना होता है ना गेहूं का दाना, वो उत्पन्न कर दिया जादू से ही, मतलब ऐसे हाथ करते ही गेहूं का दाना आ गया और उसने उस हाथ में जो मिट्टी थी उसमें बो दिया और ऐसे अपना जो भी जादू था उससे लगाया और पेड़ निकल गया। जनता देख के हैरान हो गई इस जादू को भी, क्योंकि पेड़ निकल गया। अब फिर जादूगर ने एक वार्निंग दी कि देख अभी भी कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने मेरे असिस्टेंट को बेहोश किया है वो सामने आ जाए वरना बहुत बुरा हाल हो जाएगा। कोई नहीं आया क्योंकि मैंने क्या कहा, वो तो घर जाके सो गया। अब जनता तो देख के परेशान थी, हथेली पे पेड़ उड़ा दिया। तो फिर क्या हुआ भाई, मेरे को ठीक है नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं लाओ एक चक्कू दो। अब जनता सोचे खाई करवा लो यार, मेरे चक्कू दो, असिस्टेंट मतलब दूसरा असिस्टेंट था उससे चक्कू मंगाया। फिर भी कहा उसने कि मैं वार्निंग दे रहा हूं, आ जाओ स्टेज पे सामने और इस विद्या को तोड़ो, इसको होश में लाओ। ठीक है उनका, ठीक है बस अब मेरा सबर का बांध भर गया। अब जो पेड़ पौधा था मतलब ऐसे था ऊपर, वो होता है ना जैसे फूल खिले होते हैं, जैसे सर को ऐसा समझ लो आप फूल सा खिला होता है, जैसे गेहूं की बालियां देखी है ना तो ऐसे नू पंखुड़िया भी रहती है उनमें ना, तो पंखुड़िया ऐसी थी कि नीचे दो पंखुड़िया और ऊपर हाथ की तरह दो पंखुड़िया और ऊपर जो बाल होती है वो थी। तो उसने क्या किया जादूगर ने, चक्कू से नीचे की जो पंखुड़िया थी उसमें से एक पंखुड़ी को आधा काट दिया और पंखुड़ी अलग कर दी यहां पे आधा काट के। तो अब उसने क्या किया गांव वालों से, जो जादूगर था जो स्टेज पे था उसने गांव वाले से कहा अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, यहां तो वो है नहीं तो चिल्ला जाता, तुम गांव जाओ अपने और देखो कोई व्यक्ति बहुत जोर से रो रहा होगा और उसका पैर कट गया होगा, देखो जाओ। अब भाई जनता गई, मतलब भीड़ गई भाई, वहां के लोग गए और देखा तो गांव में एक व्यक्ति बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है, मतलब बहुत जोर से चिल्ला रहा है। और जनता ने जाके देखा और जनता के तोते उड़ गए, सच में तोते उड़ गए। देखा तो इंसान का सच में पैर अलग हुआ पड़ा था, खून निकल रहा था, अलग कट गया, बिल्कुल अलग कट गया, मतलब वहीं बैठे बैठे उसने काट दिए पैर। और जादूगर ने कहा उसको लेकर आओ मेरे पास। अब भाई उसको जैसे भी करके मतलब लेके गए भाई, उसका पैर भी लेकर गए, अलग कटा हुआ था पैर उसको भी लेकर गए। ठीक है भाई, अब जादूगर के पास आए तो जो जादूगर था जो स्टेज पर जो जादूगर था उसने बोला उससे, ओए देख सुन तू मेरे असिस्टेंट को पहले जिंदा कर, मतलब जिंदा मतलब वो बेहोश है उसको उसकी बेहोशी तोड़ जब मैं तेरा पैर जोड़ूंगा। तो भाई उसने जो भी था उनको कंकर वापिस करा, तो कंकर को वापिस करा और फेंका, फिर वो जो असिस्टेंट था वो उसकी नींद टूट गई और वो जग गया। तो भाई ठीक है भाई, उसने मतलब उसकी नींद तोड़ दी। तो भाई वो जो तड़प रहा था इंसान वो बोल रहा था अरे यार अब तो मुझे ठीक कर दे यार, बहुत पीड़ा हो रही है भाई, पैर कट रहा था खून निकल रहा था। तो ठीक है यार तूने तेरी कर ली तो भाई मैं भी अब तुझे ठीक कर देता हूँ। तो उसने क्या किया गांव वाले से कहा, नुके तरह इसका जो पैर है
उसके पास रखो, मतलब जैसे लैग होता है तो उसके पास ही रखो, उनके ऊपर लाल कपड़ा डालो, लाल कपड़ा डालो, ठीक है। तो फिर उसने क्या किया, जो हाथ में जो बाल उग रही थी गेहूं की, जहां से पंखुड़ी कटी थी, है ना, जो पैर की तरह से काटा था उसने, उस पंखुड़ी को वापस से उसमें जोड़ दिया और फिर ऐसे ऐसे करके खत्म कर दिया। और उनके उसका कपड़ा था, कपड़ा हटाया, देखा तो भाई साहब बिल्कुल पैर बिल्कुल ओके, पैर बिल्कुल ओके, कोई दर्द नहीं, कोई आराम से मस्त हो गया भाई साहब, बढ़िया। तो भाई फिर क्या था, जो करी थी उसने हरकत हाथ जोड़ के कि भाई अब मैं नहीं करूंगा ऐसा, भाई मुझे क्षमा कर दो, तो वो चला गया। तो फिर गांव वाले जो थे देख के भौचक्का रह गए, यार सीधी सी बात है, उन्होंने ऐसा जादू भाई साहब पहली बार देखा था, मतलब हथेली में मतलब फूल गा रहे और उसका मतलब पंखुड़ी काट रहे तो उसका पैर कट रहा है, है? कमाल है यार। गांव वाले सोचा भाई तूने कर कैसे दिया, तो उसने बोला भाई देख ये जो मैजिक है ये हम जनरली नहीं दिखाते हैं स्टेज पर, लेकिन आज मजबूरी थी मुझे दिखाना पड़ा ये मैजिक, हम ये नहीं दिखाते हैं, हम नॉर्मली मैजिक दिखाते हैं, लेकिन आज मजबूरी थी इसलिए मुझे दिखाना पड़ा, क्योंकि हर व्यक्ति हर विद्या को नहीं जानता, हो सकता है कि आप गणित के सवाल किसी और मेथड से करो, आप किसी और मेथड से करो, होता है। तो इसलिए भाई उसने किस मेथड से उसको नींद में सुला दिया भाई, अब वही जानता है कि उसको कैसे तोड़ा जाए, तो ये होता है। अब भाई क्या हुआ, वहां पे जो लोग थे भाई भौचक्का तो रह गए, डर गए ये सारे कारनामे देख के भाई। तो वहां पर कोई खुरापाती दिमाग का एक व्यक्ति था भाई, उसने जादूगर से पूछ लिया डायरेक्ट, सर ये कैसे कर दिया आपने, सही बात है ना, सोच आती है भाई कैसे कर दिया। उसने कहा बेटा ये कला है, ये एक बहुत बारीक कला है, सूक्ष्म कला है, जल्दी से नहीं सीखी जाती है कला। उसने पूछा कि क्या आप में कोई शक्ति है, आप में कोई चमत्कार करने की पावर है, आपने कोई पूजा पाठ करी है, तंत्र किया है, क्या कराया ये। उसने बोला भाई कुछ नहीं किया मैंने, ये कला है, कोई भी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो। तो कैसे, why, what, reason? तो उसने थोड़ा बहुत बताया उसके बारे में, उसने कहा कि देख सुन, रियलिटी ये है कि मतलब उसने ऐसे समझाया उसको कि मुझे तू इधर आ सामने, उसने उससे हाथ मिलाया, भाई ठीक है हाथ मिलाया, हाथ मिलाया, फिर उसने जादूगर ने यहां पर हाथ रखा अपना और ऐसे ऐसे किया, और जो वो व्यक्ति था उसके हाथ में गुदगुली होने लग गई नहीं कैसे करती है। तो उनकी यही सिद्धांत है इस चीज को करने का, भाई हम सब यहां तक कि तुम मैं चिड़िया कबूतर ये जितने भी लोग बैठे हैं हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब कनेक्टेड हैं, ये बोला उसने साफ साफ। पर बोला कि ऐसे कैसे, क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं इनडायरेक्टली रूप से, मतलब हम अप्रत्यक्ष रूप से आपस में जुड़े हुए हैं, हम सब जुड़े हुए हैं अप्रत्यक्ष रूप से, मुझसे मिट्टी भी जुड़ी है, मुझसे वो गेहूं का बाल भी जुड़ा था, मुझसे तुम भी जुड़े हो, और मुझसे वो व्यक्ति भी जुड़ा हुआ था जिसका मैंने पैर काटा था। अब ये समझ में नहीं आया तो उसने फिर और समझाया इस चीज को, लेकिन जब मैंने तुम्हें स्पर्श कर लिया, स्पर्श करा था ना हाथ मिलाया, तो क्या हुआ मैं डायरेक्टली तुमसे कनेक्टेड हो गया प्रत्यक्ष रूप से, और अपनी विद्या लगाई और तुमसे मैंने स्पर्श के माध्यम से कनेक्शन बना लिया, मेरे हाथ का और तुम्हारे हाथ का कनेक्शन, इसको संबंध कला भी कह सकते हैं। तो ये उसको समझाया, क्योंकि इसी तरह से मैंने जो व्यक्ति था क्या करा, जो पत्थर उसने मंत्रित करके बैठा था उस पर मेरे असिस्टेंट पर, उस पत्थर से उसका कनेक्शन बन गया था, किसका, जिसका भाई मैंने पैर उड़ाया था, तो उस कंकर को मैंने पकड़ा और उसका कनेक्शन जान लिया, और फिर पत्थर से मैंने गेहूं का बाल उगाया, मतलब गेहूं के बाल का कनेक्शन पत्थर से था, पत्थर का कनेक्शन जो व्यक्ति था उससे था, ऐसे कनेक्शन मैंने बना लिया अपनी विद्या से, यही है कनेक्शन बनाना ही वो विद्या थी।
अब नो इसमें मैं अगर कुछ भी हरकत करूंगा तो उसके साथ घटित होगा। तो ये है वो, मतलब ऐसा करते हैं लोग, तो उनके ये कला है वो। अब भाई जो व्यक्ति था खुरापाती खोपड़ी का था, अरे तो सर कैसे कनेक्शन बनाया आपने, है? सुनने में तो ज्ञान अच्छा लगता है भाई, कनेक्शन बना लिया, लेकिन कैसे 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 कैसे। तब उसने उसको और समझाया, उनके देख सीधी सी बात है कि जैसे भाई कनेक्शन के लिए कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए, क्योंकि तुम मुझे डायरेक्टली देख रहे हो। हाँ मुझे बिल्कुल दिख रहा है, तुम्हें बीच में कुछ नहीं दिख रहा, मुझे क्या दिख रहा है, लेकिन हमें दिखता है यहाँ आसपास पदार्थ फैला हुआ है, हमारे चारों तरफ पदार्थ फैला हुआ है, हम बिल्कुल उसी तरह हैं जैसे पानी के अंदर एक मछली होती है, मछली देखी है, लेकिन मछली को पानी कभी नहीं दिखता, उसी तरह से हम, हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ है, उसी से हम भभूत बना लेते हैं, उसी से हम नोट बना लेते हैं, उसी से कुछ भी बना लेते हैं, और उसी से हम कनेक्शन बना लेते हैं, संबंध स्थापित कर लेते हैं, लेकिन ये कला हम कभी भी स्टेज पर नहीं दिखाते, क्योंकि ये कला दिखाने की है ही नहीं। तो इस तरह से उसने, मतलब भाई गांव वालों ने उसकी तारीफ भी करी कि आज हमारी मुलाकात एक असलियत में जादूगर से हो गई, हमने असली मैजिक देखा है सर आज आपको। तो फिर क्या हुआ भाई, वो जो भी लोग थे वो चले गए, लेकिन फिर भी वो खुरापाती व्यक्ति नहीं गया, नुके यार गुरुजी मतलब जादूगर कैसे कैसे कैसे। तो उसने कहा कि जैसे तुम कभी किसी चीज को ऑब्जर्व करो, तुम ये सोचो कि मुझे अपने जो अपने मतलब जैसे पेड़ को हिलाना है, बस इतना समझो, जैसे मुझे पेड़ को हिलाना है, तो बस अब इस चीज पर ध्यान लगाओ कि मैं कैसे हिला सकता हूँ, बस ध्यान लगाओ, ये प्रकृति तुम्हें सब सिखा देगी, क्योंकि मैं इससे ज्यादा तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता, फिर मेरे ज्ञान की अवहेलना हो जाएगी। क्योंकि जादूगर में क्या होता है, मर्यादा होती है कि वो अपनी नॉलेज शेयर नहीं करते कि हम ये कैसे करते हैं, क्योंकि तो ट्रिक रिवील हो जाती है यार, क्योंकि फिर तो हर कोई कर लेगा यार, है कि नहीं। तो ये होता है। तो यार दोस्तों फिर क्या हुआ कि वो व्यक्ति भी चला गया अपने घर और जादूगर भी अपने घर चला गया। तो इस तरह से दोस्तों ये कहानी खत्म हो जाती है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी मैजिकल स्टोरी। तो दोस्तों आपको एक कहानी कैसी लगी दोस्तों, थोड़ी सी मतलब कॉन्स्परेंसी टाइप है, लेकिन ये एक इमेजिनरी कहानी है दोस्तों, उसको रियल मत मान लेना, ठीक है। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली ऐसी ही कोई कहानी में, तो मैजिकल वर्ल्ड की अगली कहानी में मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में हम फिर से। तो तब तक के लिए यार प्लीज आप चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो, तो सब्सक्राइब कर लो यार बस तो।